Assalamualaikum everyone, welcome to the mechanical workshop of Mira University of Engineering Technology, Jamshedpur. So, we are working on the final year project of friction welding. We are the final year student with Imran Roy. So, हम यहाँ पे वर्कशॉप में आए और हम जो वर्क कर रहे हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे, हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे वो है फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग आप जानते हैं कि जैसे ही हमारी फेस टू फेस वेल्ड हम करते हैं इसको, इन दोनों को जो पीसेस को आप देख रहे हैं इस तरह हम वेल्ड करेंगे। ये हमारा पहले एक सैम्पल था, उससे हम पहले इसको काटा है, ठीक है, तो हम इससे वेल्ड करेंगे। और जो हम मशीन यूज़ कर रहे हैं ये है हमारी कन्वेंशनल लेथ मशीन। कन्वेंशनल लेथ मशीन से हम ये वेल्डिंग करेंगे जिसकी मैक्सिमम आरपीएम है 1400 है, और इस ये जो वेल्डिंग होगी वो मैक्सिमम पे ही होगी, इससे ज़्यादा इससे कम होगी 1000 या 700 800 इस पे नहीं होगी। कम से कम जो हम ये इस वेल्डिंग के लिए जो मशीन होनी चाहिए उसकी आरपीएम जो होनी चाहिए 1400 या 1400 से अब होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जो हमने सेटअप तैयार किया है, तो एक हमारा जो है ना एक सैंपल हमने यहाँ पर फिक्स किया है और दूसरा इसमें राउंड जो है ना घूमेगा, ठीक है। तो हम इस पर हम ये मशीन हम चलाएंगे और इस मशीन को 1400 आरपीएम से राउंड करके इसे मैन्युअली प्रेशर देंगे। तो प्रेशर देने के बाद आप देखेंगे कि प्रोसीजर क्या होता है। सो हमारे साथ जो हमारे लैब टेक्नीशियन है हमारे साथ है सर बिस्मिल्लाह जमाली साहब। सो ये सर बिस्मिल्लाह जमाली साहब ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो सर आप रेडी हैं? हाँ सर। आप देख रहे हैं कि जैसे ये हमारी वेल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसका एक जॉइंट बन चुका है ना, तो आपने देखा कि जैसे ये फ्लेम बन गया था ना, आप देखें ये ऐसे अच्छी तरह से जॉइन हो चुके हैं। अरे सर